हाय गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना हेयर केयर रूटीन। यस, मेरे हेयर केयर सीक्रेट्स, खासकर इस मौसम में मैं कैसे अपने बालों का ख्याल रखती हूँ ताकि ज़्यादा हेयर फॉल भी ना हो और बाल काले, लंबे और घने बने रहें। ये आई थिंक अब तक का सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो इसको शेयर ज़रूर करें। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा स्केड्यूल इतना बिजी होता है कि मुझे अलग से टाइम ही नहीं मिलता कि मैं बालों के लिए कोई अलग से हेयर केयर रूटीन फॉलो करूं। पर कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मैं काफ़ी टाइम से फॉलो करती आ रही हूं, और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सभी टिप्स शेयर करने वाली हूं। कौन कौन सी होम रेमेडीज़ हैं जो बहुत क्विक हैं, बहुत ईजी हैं और बहुत इफ़ेक्टिव हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि अच्छे लंबे काले घने बालों के लिए मैं डाइट में क्या क्या लेती हूं, मेरा ऑयलिंग रूटीन क्या है, हेयर वॉश करने की एक खास टेक्निक जिससे बाल जल्दी टूटते नहीं हैं, मेरा फेवरेट हेयर मास्क जो कि मैं वीकली लगाती हूँ, और कुछ हेयर केयर टिप्स जो मेरे बालों को हेल्दी रखते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मेरे पास मैक्सिमम क्वेरीज हेयर फॉल की आती हैं, लेकिन हेयर फॉल का कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले कॉज पता होना बहुत ज़रूरी है। जो एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा आजकल देख रही हूँ, एक तो लोगों में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है जिससे कि हेयर फॉल हो रहा है, दूसरा जो लोग फैट लॉस डाइट्स ले रहे हैं, एक्सट्रीम लो कैलोरी डाइट्स ले रहे हैं, उससे उनका वेट तो कम हो रहा है, लेकिन फिर क्या हो रहा है, जो हेयर फॉल हो रहा है उसके लिए वो अलग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अलग डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं। मेरे पास खुद कितने सारे केसेस आते हैं जिनको हम डाइट से जिनका हेयर फॉल ठीक करते हैं। तो अगर आप भी उस कैटेगरी में हैं तो आपको कोई दवाइयाँ या सप्लीमेंट लेने की नीड नहीं है, आप सिर्फ डाइट से, अच्छे लाइफस्टाइल से, कुछ बेसिक योगा से आप इस चीज़ को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं और नॉर्मल हेयर ग्रोथ हो सकती है। तो सबसे पहले डाइट की बात करते हैं। बालों की हेल्दी ग्रोथ के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन है वो है बायोटिन। आपने बाज़ार में बहुत सारे हेयर केयर प्रोडक्ट्स देखे होंगे जिस पे लिखा होता है बायोटिन रिच। अगर आप कोई हेयर लॉस ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं तो वो भी आपको बायोटिन के सप्लीमेंट्स देते हैं। बायोटिन को विटामिन एच और B7 भी कहा जाता है। ये वाटर सॉल्यूबल होता है जिससे कि ये हमारी बॉडी में रुक नहीं पाता, मतलब कि स्वेटिंग या यूरिन के थ्रू ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, तभी हमें इसके सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे इसे डाइट के थ्रू भी ले सकते हैं। बायोटिन मेटाबॉलिक प्रोसेस भी करता है, यानी कि हम जो प्रोटीन, कार्ब्स और फैट खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करता है, तो टाइम टू टाइम इसकी डेफिशिएंसी होती रहती है। इसकी कमी होने पर हमारे नेल्स टूटने लगते हैं, हेयर फॉल होने लगता है, स्किन पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी डाइट में बायोटिन ज़रूर लें ताकि बॉडी के सभी प्रोसेस स्मूथली चलते रहें। बायोटिन हमारे हेयर के लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बालों में डेड सेल्स को साथ साथ रिपेयर करता रहता है। तो अब बात करते हैं कि किन किन फूड से हमें बायोटिन मिलता है जो मैं अपनी डाइट में रेगुलरली लेती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। मैं आपको ये बता दूँ कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे सारे प्रोटीन सोर्सेज भी वेजिटेरियन ही होते हैं। हमारे बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें डाइट में प्रोटीन तो चाहिए ही होता है, जो कि बहुत सी चीज़ों से मिल जाता है, जैसे कि मिल्क, पनीर, टोफू, नट्स, सीड्स, दालें, स्प्राउट्स, लेग्यूम्स जैसे कि राजमा, चना एक्सेट्रा। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो लोग एग, फिश, चिकन, मीट कुछ भी ले सकते हैं। एग में प्रोटीन भी होता है और बायोटिन भी होता है। प्रोटीन केराटिन की फॉर्म में होता है जो कि हमारे हर एक हेयर स्ट्रैंड में होता है, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं बालों के, और बायोटिन स्पेशली एग योक में होता है जो आपके हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है और उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो अगर आप अब तक एग योक नहीं खाते थे, अब से खाना शुरू करें। अगली चीज़ जो मैं रेगुलरली डाइट में लेती हूँ वो है पालक और सभी तरह की ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियाँ। पालक में आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है जिससे कि हीमोग्लोबिन बनता है, और अगर हमारे ब्लड में एडिक्वेट अमाउंट में हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हमारा जो ऑक्सीजन सप्लाई होता है बालों का वो कम हो जाएगा, जिससे कि हेयर ग्रोथ पर सीधा इफेक्ट आता है। आयरन हमें और भी बहुत सी चीज़ों से मिलता है, जैसे कि बीन्स, सोयाबीन, दाल, फ्लैक सीड्स, पम्पकिन सीड्स, नट्स, ब्रोकली, पत्ता गोभी और भी बहुत सी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से मिलता है। अगली चीज़ जो मैं हमेशा डाइट में लेती हूँ वो है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, जिससे कि हमें विटामिन डी मिलता है, विटामिन B12 मिलता है। ये विटामिन्स हमारी बॉडी में नए सेल्स बनाते हैं और हेयर ग्रोथ में हेल्प करते हैं। वेजिटेरियंस में तो खासकर इस विटामिन की कमी पाई जाती है क्योंकि ये मेनली नॉन वेज से मिलता है, तो बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए इस चीज़ का ध्यान रखें। विटामिन ए से हमें सेबम मिलता है जो कि हमारे हेयर को नरिश करता है और स्कैल्प को हेल्दी रखता है। ये हमें गाजर, कद्दू और शकरकंदी से मिलता है। उसी तरह विटामिन सी और विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे बालों को बचाता है फ्री रेडिकल डैमेज से, जैसे कि यूवी रेज से या फिर पोल्यूशन से। विटामिन सी रिच फूड्स की बात करें तो वो हमें मिलता है ऑरेंजेस से, मौसम्बी है, ग्वावा है, ब्लैकबेरीज हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, लेमन है, आंवला है, जो कि बहुत अच्छे सोर्सेज हैं विटामिन सी के।
उसी तरह विटामिन ई रिच फूड्स की बात करें तो वो हमें मिलता है आमंड से, एवोकाडो से, इवन पालक से। नेक्स्ट चीज़ जो मैं हमेशा डाइट में लेती हूँ वो है जिंक। बहुत सारी स्टडीज़ में प्रूव हुआ है कि जिंक डेफिशिएंसी से एक्सेस हेयर फॉल हो सकता है या फिर बियर्ड पर या स्कैल्प पर बॉल्ड पैचेस हो सकते हैं, तो अपनी डाइट में जिंक ज़रूर लें। मैं क्या करती हूँ, मैं हर रोज़ रात को 5 बादाम भिगोकर सोती हूँ और सुबह पहली चीज़ मैं वही लेती हूँ। इसके अलावा दाल है, बीन्स हैं, पम्पकिन, सेसमे सीड्स, स्प्राउट्स, कैश्यूज, ये सब भी बहुत अच्छे सोर्सेज हैं जिंक के। तो अभी तक हमने बात की है डाइट की, अब चलते हैं प्रॉपर हेयर केयर रूटीन की तरफ। इसमें सबसे पहले आता है ऑयलिंग, और मेरी कोशिश होती है कि हफ्ते में एक दिन तो कम से कम मैं ऑयलिंग ज़रूर करूँ। अब आप सोच रहे होंगे इसके लिए ऑयल कौन सा यूज़ करें। वेल, मेरी पहली चॉइस होती है मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। ये बालों की डीप कंडीशनिंग करता है, इसमें नेचुरल फैट्स होते हैं जिससे कि ये एक अच्छे कंडीशनर का काम करता है और बालों को स्मूथ और शाइनी बनाता है। मेरा सेकेंड फेवरेट है कैस्टर ऑयल, यानी कि अरंडी का तेल, जो कि सबसे बेस्ट ऑयल है हेयर ग्रोथ के लिए। ये बालों को मॉइस्चराइज रखता है और स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है। ये काफ़ी थिक होता है तो आप इसे किसी लाइट ऑयल के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं ताकि ये लगाने में ईजी हो जाए। और मेरा अगला फेवरेट ऑयल है नारियल का तेल, यानी कि कोकोनट ऑयल, जो कि बालों को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है और ड्राइनेस हटाता है। जिन लोगों को डैंड्रफ रहता है उन्हें कोकोनट ऑयल रेगुलरली लगाना चाहिए। तो एक महीने में मैं बदल बदल के ये सारे ऑयल्स यूज़ करती रहती हूँ और हेयर वॉश से 2 घंटे पहले मैं ये ऑयल मसाज करती हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं हेयर वॉश की। तो सबसे पहले तो कोई अच्छा ऑर्गेनिक शैम्पू यूज़ करें जिसमें केमिकल्स ना हो। शैम्पू खरीदते टाइम उसका लेबल ज़रूर चेक करें कि उस पर लिखा हो पैराबेन एंड सल्फेट फ्री। शैम्पू को सही तरीके से यूज़ करना भी उतना ही ज़रूरी है। हमेशा शैम्पू अप्लाई करने से पहले शैम्पू को पानी के साथ मिक्स ज़रूर करें। ज़्यादातर शैम्पूज में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो पानी में मिक्स करके लगाने से आप हेयर डैमेज का रिस्क कम कर सकते हैं और ऐसा करने से आप शैम्पू भी कम यूज़ करेंगे। इसके बाद आपको अपने स्कैल्प को जेंटली स्क्रब करना है स्मॉल सर्कल्स में, बहुत हार्शली नहीं करना। आप अपनी फिंगर टिप्स को यूज़ करते हुए सारा डर्ट, ऑयल, स्किन फ्लेक सब रिमूव कर सकते हैं। स्क्रब करने के बाद आपने हेयर को अच्छे से वॉश करना है। और बाल धोते वक्त ठंडा पानी यूज़ करें या फिर गुनगुना पानी, लेकिन गर्म पानी ना यूज़ करें। अगला स्टेप आता है कंडीशनर यूज़ करने का। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने आज तक पर्सनली कभी कोई कंडीशनर या कोई हेयर सीरम्स नहीं यूज़ करे हैं। आप चाहें तो किसी अच्छी क्वालिटी का हेयर कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जहाँ मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, वो है बालों को टॉवल से रगड़ना। हमेशा प्रेफर करो कि बालों को ड्राई टॉवल से जेंटली रब करो, बहुत ज़्यादा हार्श रब नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से आपके हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं और डल लगने लगते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप उसे नेचुरल सनलाइट में ड्राई होने दें। ओके, टॉकिंग अबाउट हेयर मास्क, मैं आपके साथ वही शेयर करूंगी जो मेरे लिए बहुत अमेजिंगली काम कर रहे हैं और जो बहुत क्विक हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। अगर डैंड्रफ है या इची स्कैल्प है तो हेयर वॉश के टाइम आप अपनी एग्जिस्टिंग शैम्पू में एप्पल साइडर विनेगर मिला के लगा सकते हैं। इसे ट्वाइस अ वीक करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जब मुझे शूट्स करने होते हैं या फिर कहीं बाहर जाना होता है तो मैं एक दिन पहले दही का मास्क लगाती हूँ। ट्रस्ट मी, ये एक नेचुरल कंडीशनर का काम करता है। बालों में इतनी अमेजिंग शाइन आ जाती है और बाल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। आप इसमें नारियल तेल या फिर हनी मिक्स करके भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो आप दही में मेथी दाने का पेस्ट मिला के भी लगा सकते हैं, बहुत इफेक्टिवली काम करता है। या फिर दही में लेमन मिला के भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास जब टाइम कम होता है तो मैं सिर्फ दही अप्लाई करती हूँ और उसी से मुझे बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इस टिप को ट्राई ज़रूर करें। अब बात करते हैं हेयर फॉल की। बारिशों के मौसम में मैक्सिमम लोग हेयर फॉल से परेशान रहते हैं, तो ऐसे में आप थोड़ा सा फ्रेश एलोवेरा जेल ले लें और डायरेक्टली अपने स्कैल्प पर अप्लाई करें और थोड़ी देर में हेयर वॉश कर लें। ये एक बहुत इफेक्टिव रेमेडी है अगर आप इसे लगातार करते हैं। तो गाइस, मेरे पास हेयर मास्क की रेसिपीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन करने का टाइम नहीं होता है, प्रॉब्लम वहाँ पर आती है। इसलिए मैंने आपको वही चीज़ें बताई हैं जो कि बहुत क्विक हैं, जो कि मेरे लिए बहुत इफेक्टिवली काम करी हैं। तो आप इन्हें ट्राई ज़रूर करें, पर आपको रिजल्ट्स तभी मिलेंगे जब आप इन्हें कंसिस्टेंटली करते हैं। इसके अलावा और भी कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो कि मैं काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस करती आ रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं कभी हेयर ड्रायर यूज़ नहीं करती हूँ, चाहे कितनी भी सर्दी हो, कुछ भी इमरजेंसी हो, मेरे हमेशा प्रेफरेंस होती है कि नेचुरल सनलाइट में बाल सुखाए जाएं। उसी तरह मैं कभी बालों को हीट नहीं करती हूँ,
कभी साल में एक आध बार होता है कि किसी इवेंट पे जाना है तो कुछ हेयर स्टाइल्स बनवाने पड़ते हैं, अदरवाइज 99% मैं कभी भी बालों को हीट नहीं करती हूँ। जब हम बालों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जैसे फंकी हेयर कलर्स ट्राई कर रहे हैं और केमिकल्स यूज कर रहे हैं, तो उससे भी बाल डैमेज होते हैं। सो डोंट केमिकली ट्रीट और ब्लीच योर हेयर। बालों को बहुत टाइट बांधने से भी बाल टूटते हैं, तो इसका भी ध्यान रखें। टाइम टू टाइम स्प्लिट एंड्स रिमूव कराते रहें ताकि बालों की ग्रोथ रुके नहीं। आपकी कॉम्ब भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, और अगर आप ब्रश यूज करते हैं तो सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला होना चाहिए। आप बैम्बू कॉम्ब या फिर नीम की कॉम्ब भी यूज कर सकते हैं, जो कि स्कैल्प को हेल्दी रखती है और डैंड्रफ से भी बचाती है। तो गाइज, वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और यूजफुल लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। ऑल द बेस्ट।